すいません、あの白のワールドお願いします。लाने बोले अब इसको व्हाइट वर्ल्ड जो मैंने मंगाया है जो मैं भी खाऊंगी। मजा आ गया, खा के हालत खराब हो गई। पिक्चर का हीरो आ गया भाई। हनी शहद भी आ गया। तो भाई लोग ये देखो, माउंट फुजी दिखना शुरू हो चुका है। आफरीन, कितना खूबसूरत लग रहा है माउंट फुजी। बिना बर्फ के इतना अच्छा नहीं है, पर बर्फ के साथ तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वोल्केनो एरिया में, जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो सल्फर निकलता है, और रोप वे भी करेंगे, उसके ऊपर से हम गुजरेंगे। तो अभी प्लान बना है, देखते हैं कैसा चलता है। पहले जाके उधर देखते हैं क्या सिस्टम है, क्या है। ये देखो गाइस, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। लेफ्ट लेफ्ट, बहुत ठंडी थी, अभी गर्मी हो रही है। तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो वापस जाने के लिए लाइन कितनी ज्यादा है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, कुनिचुआ, वेलकम बैक टू अवर चैनल नमस्ते जापान। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल हम लोग गए थे क्रैब लॉबस्टर वगैरह खाने के लिए, खा के आके जो सोए अभी उठे। तो आज एक और सरप्राइज़ है, हम लोग जा रहे हैं फुजी। फुजी में हम लोग दो दिन रहेंगे, दो दिन तीन रात रहेंगे, और वहाँ पर बहुत मस्ती, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। ये देखो सामान इतना है, तो इंशाल्लाह दुआ करना कि अच्छे से जाके अच्छे से आए, और हर रोज का एक नया ब्लॉग बनते रहेगा और आप तक पहुंचते रहेगा। लेट्स गो। तो ये आफरीन भी ज्वाइन कर लिया हमारे वीडियो में। तो आफरीन, हाउ एक्साइटेड यू आर? वेरी वेरी एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि फुजी जाने का जो प्रोग्राम है वो कई टाइम से बन रहा है, और आज फाइनली हम फुजी जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि बहुत इंजॉय करें, हमेशा की तरह करते ही है, और आप तक पहुंचाते रहे कि वहाँ पर घूमने फिरने के लिए क्या क्या है। तो बने रहे ब्लॉग में, मज़ा आएगा। आफरीन, कुछ ऑडियंस के लिए? नहीं, अभी सिर्फ आप लोग हमारे साथ चलिए और हमारा आगे का जर्नी देखिए, क्या एंजॉय करते हैं कितना। तो पहले सबसे पहले नाश्ता कर लेते किधर। भूख लगी कि नहीं? कल इतना खाने के बाद तो भूख कम ही लगी है, लेकिन फिर भी नाश्ता कर लेते थोड़ा बहुत किधर। तो अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है हमारा, लॉबस्टर और क्रैब्स वगैरह का कांको होटल वाला, तो प्लीज़ प्रोफाइल में जाके देख लीजिएगा। लेट्स गो। तो ये हम नाश्ता करने के लिए आ गए कॉफ़ी कोमेडा। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकलेंगे ताकि बीच रास्ते में भूख ना सताए हमें। मेरे को फिश बर्गर भी खाना है। फिश बर्गर? हाँ। और मुझे वो केक खाना है, सॉफ्टी वाला, उसमें से आधा मुझे देना। ठीक है, चल आ जाओ। एंड हो गया सैनिटाइज। तो ऑर्डर करते हैं फिर।
हम मंगाएंगे एक फिश बर्गर, दो स्पेशल कॉफी और अपना वही आइस केक। कॉफी सेट लेंगे तो 11 बजे तक सही है ना, 11 बजे तक सेट ले सकते हैं। はい、すいません。はい、お伺いいたします。すいません、ウィンナーコーヒー1つと、ホット、はい。で、米田スペシャル。米田スペシャル。はい。すいません、これ2つセットで、このセット。え、わかりました。それで、白のワールド。白のワールド。大きいサイズ。はい。はい、かしこまりました。そうですね、あとの方がいい。で、フィッシュバーガー。フィッシュバーガー。はい。以上です。以上で。はい、お願いします。ご確認お願いいたします。ホットのウインナーコンビ1つ、米田スペシャルが1つ。で、Aのモーニング1つ。ホットフィッシュフライバーガー1つで、手紙白のワールド1つで。はい、お願いします。 तो वेट करते हैं फिर ऑर्डर का। और ये वेटिंग हो रही है आफरीन की। वाओ, विनर कॉफी है ये। विनर कॉफी, विनर कॉफी, लूजर भी रहा है। और ये कॉमेडा स्पेशल, बहुत ही स्पेशल, वीआईपी आदमी पिएगा। ये जो हमारा ऑर्डर है वो पूरा आ चुका है, सिवाय हमारा जो वो क्या बोलते उसको, स्नो वर्ल्ड, शिरोई वर्ल्ड, वाइट वर्ल्ड नहीं आया है। हमने उसे कहा है कि लास्ट में ला के दो। और आफरीन कैसा टेस्ट है ये? बिल्कुल मलाई पाव लग रहा है। मलाई पाव, वाह, मतलब इंडिया की याद आ गया। तो खाते पीते और आगे का फिर से वीडियो निकालेंगे। तो बड़ा मजा आ रहा है यार। हाँ आफरीन, बहुत टेस्टी है। बर्गर ट्राई करते, बर्गर, फिश बर्गर ट्राई करते। सुपर। अच्छा, चीज बड़ा टेस्टी है। चीज बताना ऑडियंस को, चीज तो भाई खा पी के जाने की तैयारी। और ये देखो, ये बिल बना है, अच्छा खासा खाए लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सस्ता है, ठीक है, अच्छा है, पेट तो अच्छा खासा भर गया है।
और देखिए यहाँ पे वेटिंग भी हो गई है, इतना क्राउड आता है इधर पे, इतना फेमस है ये कॉफी कोमेडा। और थैंक यू वेरी मच आफरीन फॉर दिस ब्यूटीफुल ट्रीट। वेलकम वेलकम। तो चलते फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते, फूजी ट्रिप हमारे जो माउंट फूजी है उसकी तरफ। इंतजार कर रहे हैं वो, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम जाए और वो लावा फाड़े हमारे मुंह पे। तो ये हम चढ़ने लगे हाईवे, तोमे एक्सप्रेस वे हाईवे जिसे कहते हैं, और चल चढ़ेंगे अभी शिजुओका की तरफ, हमारे माउंट फूजी ट्रिप की तरफ। बहुत रश है। हाँ क्योतो की तरफ रश है, शिजुओका की तरफ खाली लग रहा है। हाँ मेरा तो सर दर्द करने लग गया था, सीधा यूटर्न मारने लगा था मैं, पैसे गए तो गए, ट्रैफिक में अपने को नहीं जमता भाई। ये देखो अभी साल किधर खाली है। ये यिप्पी लेट्स गो। लोग लगभग 1.5 घंटा ड्राइविंग और 100 किलोमीटर गुजर जाने के बाद हम आए हैं रेस्ट एरिया में, ताकि अपनी गाड़ी को भी रेस्ट दे और खुद को भी। तो ये कुछ ऐसा इस तरह का रेस्ट एरिया है, ये काफी खूबसूरत सी जगह है, पहाड़ों के बीच में है। मुझे तो अभी से ही बहुत मजा आ रहा है, सच में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आई एम अ नेचर लवर। मी टू। तो गाड़ी वहाँ हमने खड़ी की हमारी, और थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट देना चाहिए,
कहते हैं कि हर 100-150 किलोमीटर के बाद गाड़ी के इंजन को थोड़ा रेस्ट देंगे तो अच्छी बात है। और ड्राइविंग में भी जापान में कहा जाता है कि 2 घंटे के ऊपर ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, 2 घंटे के बाद लगभग 15-20 मिनट का रेस्ट लेना ज़रूरी होता है जापान में भी। मैं तो माउंट फूजी पे चढ़ गई। ये देखो ये माउंट फूजी पे खड़ी है आफरीन, ऑलरेडी हम माउंट फूजी के ऊपर जा रहे हैं और हम चढ़ गए। ये देखो माउंट फूजी, मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। तो हमने हमारी गाड़ी देखो यहाँ पर पार्क की है और रेस्ट कर रही है आफरीन, रेस्ट कर रहा, मस्त धूप ले रही हूँ मैं। तो भाई यहाँ पर देखो सिर्फ पेट्रोल का ही नहीं बल्कि इस बैटरी की जो गाड़ी है उसको भी चार्ज करने वाली मशीनें पड़ी है यहाँ पर। ये देखो ईवी क्विक चार्जर पॉइंट। तो ये चार्ज करने के लिए है, हमारी गाड़ी तो वैसे पेट्रोल पे चलती है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो फ्यूचर गाइस यही होने वाला है, सारी गाड़ी बैटरियों की होने वाली है। बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत पार्किंग है ना, बहुत बहुत मज़ेदार पार्किंग है। ये यहाँ की फ्रेश मिल्क की लस्सी है, योगर्ट लिखा है इसके ऊपर, पीना चाहोगे आफरीन? ये कितनी सी लस्सी कितने की है? 500 येन की है। हाँ। लेकिन ये फ्रेश मिल्क की एकदम, यहाँ पर जो फार्म है वहाँ के फ्रेश मिल्क की लस्सी है, तो पी के देखना तो बनता है। सही है, एक बार पी के देखते हैं। ये मलाई जमी है देखो ऊपर, आप देख सकते हैं मलाई जमी है। तो ये फ्रेश मिल्क की लस्सी पीते पीते अब हम निकलेंगे हमारे ट्रिप टू फूजी की तरफ, लेट्स गो। ओए तो भाई लोग ये देखो बिल्कुल ही सामने है माउंट फूजी। अब हम फूजी सिटी में आ गए तो एकदम मुंह के पास ही फूजी है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा है। और अब हम जा रहे हैं वॉल्केनिक एरिया में। तो भाई हम वॉल्केनो के जा रहे हैं तो उसके लिए माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं हम, तो कुछ इस तरह का रास्ता है माउंटेन का, ये रहा। तो यहाँ से और 10 किलोमीटर दूर है तो इसका मतलब है कि हम पूरा माउंटेन ही क्लाइंब करना होगा। और कहते हैं कि यहाँ से माउंट फूजी बहुत नज़दीक है और बहुत क्लियर विजुअलिटी से दिखता है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पहले से ये सब चीज़ का बहुत शौक है, जो नेचर वगैरह का, और वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनिक देखना मुझे बहुत पहले से मुझे देखना था। तो होप करते हैं कि अच्छा निकले, इसका व्लॉग भी अच्छा निकले और हमारी ट्रिप भी अच्छी रहे इंशाल्लाह। ओह ये तो भयानक होते जा रहा रास्ता, और कान भी बंद हो रहा है ना, ऊपर जैसे पहाड़ों पे बहुत क्लाइंब कर लिया अभी और ये रास्ता थोड़ा भयानक हो रहा है, तो मैं वीडियो यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और गाड़ी चलाने में ध्यान देता हूँ। तो भाई साहब हम लोग उधर पे चढ़ते चढ़ते इतना ऊपर आ गए तो हम लोगों ने जरूरी समझा के ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए जगह, कैसी जगह है आफरीन ये देखो यार, यहाँ पर बड़ी सी खाई है। ओह आराम से ओह खतरनाक खाई है यार, ये देख सर्दी भी यार इधर। तो चले फिर वोल्ट के निकल के बस। चले अपने वोल्ट के निकल के बस। आप फिर आ जाते को दिखाता हूँ। नहीं नहीं डर लग रही है।
भाई ये देखो यहाँ से वोल्केनो का धुआं निकल रहा है, कैमरे में दिख रहा होगा क्या? ये देखो पानी पूरा उबल रहा है अंदर। ये देखो बर्निंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर। तो पहुंचने आ गए हम वोल्केनो के पास, चलो चलते। थोड़ा डर भी लग रहा है। बहुत सॉलिड जगह है यार यहाँ पे, बस ये वोल्केनिक नहीं, बस यहाँ पे बहुत सारा चीज है यार देखने के लायक का। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों। तो गाइस ये देखो हम लोग ऊपर चढ़ ही रहे हैं और वो देखो अभी से आप देख सकते हैं वोल्केनो का धुआं। यार 400 मीटर पे इतनी लाइन लगी है, बहुत फेवरेट जगह होगी है सबकी। आपको धुआं दिख ही रहा होगा, उसके ऊपर से हमें जाना है रोप वे से। मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है। आफरीन आपको डर लग रहा है? हाँ पहले पहले लग रहा था, अब एक्साइटमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है चल के चले जाओ यहाँ से मैं। वो तो भाई साहब ये देखो क्या जगह है, हवा भी बहुत चल रही है आफरीन। बहुत सर्दी है यहाँ पे, थोड़ा हट जा आफरीन, देख गाड़ी आ रही है। आफरीन मेरे को उसमें बैठना है, चल चल जल्दी चलो। क्या जगह है, पूरे बादलों के अंदर। तो भाई यहाँ पे आफरीन यहाँ पे काला अंडा बिक रहा है, काली आइसक्रीम काला अंडा। 5 अंडे 500 के भाई। ब्लैक एग की स्टोरी पता है क्या है, ये वोल्केनिक में पकता है इसके लिए काला है। तो ये भाई ये काले अंडे की हिस्ट्री है, क्योंकि ये वोल्केनिक में पकता है तो ये काला है। खाना है अफरीन? बहुत सर्दी यार यहाँ पे, लेकिन जगह नंबर 1/10 out of 10 जगह है यार ये। हाँ फ्रेंड बहुत जबरदस्त है यार। तो फ्रेंड टिकट ले रही है और यहाँ पे अलग अलग जगह जा सकते हैं हम, लेकिन हम यहाँ जाएंगे। और 2 लोग का 3400 एंड रिटर्न टिकट। लेट्स गो, लेट्स गो फास्ट। अरे भाई इधर की गाय भी वोल्केनो में काली हो गई है। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से इसमें बैठना था यार। वहां पे क्यों बैठी, उल्टा देखेंगे। उल्टा सीधा की बात थोड़ी है, उल्टा बहुत ठंडी थी, अभी गर्मी हो रही है। डर लग रहा है यार, डर लग रहा है ना, और भी निकला बहुत फास्ट था। क्या जगह है यार ये,
ऐसी जगह पहली बार देखा मैं तो, जबरदस्त यार। कैसा लगा फ्रेंड? मुझे बहुत मजा आ रही है। ये हाफ वे रहेगा ना, वो डर लग रहा है यार, रोलर कोस्टर तो नहीं है वो? पेट में गड़बड़ हो रहा है, डर लग रहा है। क्या नजारा है यार, तो ये हमारा स्टॉप आ चुका है, अब हम यहाँ पे उतरेंगे, फिर वापस रिटर्न भी होएंगे थोड़े टाइम, घूमेंगे फिर यहाँ पे घूम के, जैसे कि आप लोगों को दिखाया था हमने, रिटर्न टिकट लिए थे हमने, तो यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न के लाइन लंबी आफरीन, ये हमारा रोप वे स्टॉप आ गया है ना। यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे बहुत अच्छी सीनरी है, बाहर चलो बाहर। ओह यहाँ पे भी पार्किंग है, अच्छा यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। ये देख आफरीन, ये लो पैर से करे, ये पैर सेक रहे लोग गर्म पानी में, तो ये गर्मा गर्म ओनसेन से सब लोग पैर धो रहे हैं। आफरीन बैठेंगी? मैं बैठ के थी पर मेरी पैंट ऊपर नहीं हो रही है। सब मजे ले रहे हैं ठंडी के, ठंडी में यार ऐसा पैर भिगा के बैठने का तो मजा ही अपना है। ओ, ओ, क्या बात है, डर लगी ना वो देख, फूजी सान आफरीन माउंट फूजी, वो देखो भाई माउंट फूजी, वाओ मैं अब भी देखा यार, वो हवा बहुत चल रही है, ये सबसे सुपर्ब था, सुपर्ब। हाँ फ्रेंड सबसे सुपर्ब था यार, वो देखो यार माउंट फूजी का व्यू, ね、怖い。だってそれがいいからね。ああ、店も。怖。
ये हवे की आवाज आ रही है आप लोग को? ये देखो मैं पूरा वोल्केनो फटा हुआ है। आफरीन। ओ फाइनली माउंट फूजी ने दर्शन करा दिया आपने। फूजी जी बोलते हैं इसको, फूजी सान। जापान में बड़ा रिस्पेक्ट से कहा जाता है इसे। आ गया अपना स्टेशन। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बाय फूजी। हमारा स्टेशन आ गया हमारा। और फूजी को हम बाय कर देते। बहुत डर लग रहा है। बहुत मजा आया। तो भाई साहब कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। अभी हम लोग उसमें बैठ के आए रोप वे में, और अभी लगभग हम लोग सोच रहे जाने का फिर से। नीचे उतरते उतरते कोई और डेस्टिनेशन देख के वहाँ पर भी रुकेंगे। एक हमने आते हुए कोई छोटे छोटे हट देखे थे ना, वहाँ जाने का सोच रहे, लेकिन अभी टाइम इतना रहा नहीं है। और ये देखो भाई खूबसूरती यहाँ की, ये खूबसूरती जो है यहाँ की वो अनमोल है। और यही सब टूरिस्टों को इधर पर लाती है, अट्रैक्ट करती है, जिसे कहते हैं फूजी, फूजी सान, फूजी जी, माउंट फूजी। तो भाई ये वापस अभी जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे और भी छोटी मोटी डेस्टिनेशन है, वहाँ रुकते हुए जाएंगे। टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम थोड़ा कम बचा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी इतने लोग आ रहे हैं। टाइम में 3:15 बज रहे हैं, लेकिन और भी लोग आ रहे हैं। तो इतनी पॉपुलर जगह है, बहुत मजा आया आज। ये देखो भाई सामने माउंट फूजी, ये देखो। तो भाई जो हम लोग आपसे कह रहे थे कि हम लोग जाते हुए इस चीज को देख के गए थे, तो सोचे थे कि वापस आएंगे। तो ये चीज भाई, ये कॉटेज है, यहाँ पर कॉटेज सब रिजर्व होता है। और ये लोग यहाँ पे सब बारबेक्यू वगैरह, फैमिली आई है देखो आप लोग, वो सामान वगैरह भी लेके आए इन्होंने। तो कॉटेज यहाँ पे रिजर्वेशन होता है और आप इंजॉय कर सकते हैं फुल नाइट यहाँ पर। बड़ी खूबसूरत जगह है, और अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। आफरीन कैसा लगा ये जगह? ये जगह बहुत अच्छी लगी है, इधर अपन नेक्स्ट टाइम आएंगे और यहाँ रहेंगे। तो सामान लेके आके बाहर बारबेक्यू कर सकते हैं, बाहर बारबेक्यू करो, जो करना है करो। इन्होंने अच्छा बेडशीट वगैरह का भी इंतज़ाम किया है। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। तो वो पूछ रहा था आपका रिजर्वेशन है क्या नहीं, तो हम लोग ने बोले सिर्फ देखने हैं हम लोग। तो बोला उसने, ठीक है, बोला आप लोग जाके देख सकते हो। और एक और चीज़ बताते हैं, चलो। और सामने क्या है, लेक है। हाँ। तो ये भाई जगह देखो यार, ज़बरदस्त जगह है यार। यहाँ पर अगर आप लोग दोस्त लोग हो, 7-8 दोस्त लोग मिल के आओ, पीने खाने वाले लोग है, तो और मजा आएगा। देखो यहाँ पर यार, फिश पकड़ने का, इधर ही बारबेक्यू करने का, खा लेने का। फिशिंग करके यहाँ पे फिश पकड़ के बारबेक्यू करके भी खा सकते हैं, क्योंकि देखो ये बारबेक्यू का स्पॉट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत प्यारी जगह है, आने वाली जगह है। ये देखो फैमिली आई है यहाँ पे, ये रात को एंजॉय करेंगे यहाँ पे। लगे हाथ मैं इस गाड़ी का भी पूछ लेता हूँ, इस ट्रक का, कि बेचना है कैसे। ओ क्या बात है यार, वो पिक्चरों में देखते ना ऐसा, पूरा वैसी है यार, फुल पिक्चर में जो देखते ना वो रियल। ये देखो यार, आना है बस इधर पे फैमिली के साथ, बड़ी फैमिली हो, फैमिली के साथ इधर आके। चलो आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो यार, यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं अभी, फैमिलीज आप जैसे अंदर देख सकते हैं। ये रात को अभी फुल यहाँ पे बारबेक्यू होगी, और ये लेक के पास ये लोग बारबेक्यू करेंगे। यहाँ पे ओनसेन का भी इन्होंने जुगाड़ करके रखा है,
तो जो पहाड़ की जो वॉल्केनिक गर्मी है उससे ये पानी गर्म करके यहाँ पे ओनसेन भी होगा। और ये देखो कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पर, तो आपको मैं और नीचे चल के दिखाता हूँ। वाह ये रहा आफरीन यार, नीचे डर रही है आफरीन। लेकिन मैं अपने ऑडियंस के लिए जान देने तैयार हूँ। ये देखो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर। ओ ओ क्या बात है आफरीन, क्या जगह है यार, वाव। ऐसा लगता है कि कल उसका कहो ना प्यारे की शूटिंग यहाँ पर ही हुई थी। बहुत उंधी जगह है यार, आइए यार आप लोग जरूर आइएगा यहाँ पे, जरूर आइएगा यहाँ पे। बहुत प्यारी जगह है आपने नीचे। हाँ। यहाँ से आ सकती है ना, ये देखना। नहीं, सांप है। वो बोलती सांप है इधर। वो देखो वहां पे वो फिशिंग कर रहा है, ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ अभी, वो फिशिंग कर रहा है वहां पे, फिर वो यहाँ पे लाके रात को बारबेक्यू में उसे मस्त भून के खाएगा। जापान में किधर भी आ जाओ वेंडिंग मशीन आपको मिल जाएंगी। कैसा लगा आपने यहाँ का? अच्छा। बड़ी फैमिली जिसकी हो उसको आना चाहिए, या तो फिर इकट्ठे दोस्त लोग हुए 8-10 लोग का ग्रुप है, आके यहाँ पे मस्त खाए पिए पत्ते छत्ते बिठाए। मैं तो थक गया चल चल के, और एक ठंडी अलग। मुझे फिर से भूख लग गई, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिलहाल यहाँ से निकलते क्योंकि अंधेरा भी होने लगा है और पहाड़ उतरना है, पहाड़ भी उतरना है। और जो हमारी गाड़ी है वो स्पेशली 2-व्हील ड्राइव है, स्नो टायर वगैरह कुछ नहीं लगा है। तो चलते हैं आज हमारे होटल की तरफ और आपको होटल बताएंगे। हमारा रात को ऑनसेन करने का भी प्रोग्राम है, तो पूरी वीडियो में फिर एडिट करके आपको रेट नाइट डालूंगा। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो इंजॉयबल लगेगी। तो आफरीन आपका पहली बार है फूजी में, तो आपको कैसा लग रहा है फूजी? बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी देखो उधर वहाँ पे, आपको भी अच्छा लगेगा। ये देखो भाई, इसी के लिए तो आ रहे भाई इधर सब लोग, क्या बात है यार, वाह। गाइस आप लोगों को दिखाना था, देखो ये ऊपर जो है ना ये स्पीड वाला कैमरा है, अगर आप ओवर स्पीड चलाओगे तो ये कैमरा आपकी फ़ोटो खींचेगा। और आप जहाँ पर भी रहेंगे आपको घर पे एक लेटर आएगा कि पुलिस स्टेशन आ जाओ और आप लोग का चालान कटेगा। और जब आप उधर जाएंगे तो आप लोग को ये अच्छी खासी आपकी फ़ोटो भी देंगे। तो जापान में ये सब स्ट्रिक्ट रूल्स है, जापान के रूल्स को हमेशा फॉलो करना सीखिए अगर आप जापान में लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहते हो तो। इसकी पार्किंग कहाँ पे है भाई? ये Guess what? What? वो देख। Wow. बिल्कुल होटल के सामने माउंट फूजी। शायद हमारे रूम में से भी दिखेगा। चलो चेक इन करते हैं। उसको बुकिंग नंबर दिखाना। जाके बुकिंग नंबर दिखाओ। बोलो होटल के ये दरवाजे के सामने ही ये देखो ये दरवाजा है होटल का, और ये सामने
माउंटेन फूजी। तो अभी चेक इन करके फिर आपको दोबारा लेते हैं। तो कार्ड ले लिया हमने और ये देखो जूते उतार लिए, जूते उतार के स्लीपर पहनने लगा रहे। तो अभी ऊपर चलेंगे फिर। क्या चलो, वाओ 9 नंबर है। 9 नंबर ऊपर तो अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ। हमारा 9 नंबर पे है, नंबर क्या? 905। देख लो। खुल जा चिम चिम। ओ, बिल्कुल सामने ही है ये 905। देख कार्ड लगा के खुलता है। बिस्मिल्लाह। कार्ड डालने से डालना अंदर। तो ये हमारा टब बाथरूम है। ये हमारा टॉयलेट है, ये टॉयलेट है, ये मैं हूँ, ये आफरीन है और ये हमारी पॉडी हो रही है। आफरीन वो खोल। ये एक छोटा सा फ्रिज दिया है इन्होंने। ओ ये इस होटल की खास बात है। क्या बात है यार। तो भाई इसी के साथ हम वीडियो एंड करेंगे इसी नज़ारे के साथ। और अभी हम लोग थोड़ा खाना पीना खाएंगे पियेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और कल सुबह सुबह उठेंगे। तो आज मैं अभी वीडियो एडिट करके आप लोग को ये वीडियो डालूँगा, आप लोग इन्जॉय करना वीडियो देखकर। हम लोग यहाँ पर इन्जॉय करते और कल सुबह उठ के हम आपको ब्रेकफास्ट का बुफे दिखाएंगे जो यहाँ पे सुबह में लगेगा, उसे खा के हम निकलेंगे। तो अभी रात को हमें चेकलिस्ट भी बनाना है कि हमें कल कहाँ कहाँ घूमना फिरना है, बहुत काम है। तो इजाज़त लेते हैं इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।